पहले इस श्लोक को सुनिए। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, मैं तो सदैव शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। हजारों लोग बोले कि इस श्लोक में शिवोहम का मतलब भगवान शिव को दर्शा रहा है, आत्मा को नहीं। मतलब ये लोग कहना चाहते हैं कि शिव और आत्मा दो अलग अलग चीज हैं। शिवोहम के मतलब को पहले समझिए। शिवोहम से पहले के श्लोक हर उस चीज को नकारते हैं जो अस्थाई और अनित्य है। इसमें मन, इंद्रियां, शरीर, भावनाएं और बाहरी दुनिया और भौतिक जगत शामिल है। भगवान शिव परम वास्तविकता, शुद्ध चेतना और आनंद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सीमाओं और द्वंद्वों से परे है। यहाँ पर शिवोहम अल्टीमेट रियलिटी ऑफ ब्रह्म को दर्शा रहा है। और एक बात, निर्वाण षटकम को आत्मा षटकम भी कहा जाता है। ये आत्मा का वो अमर गीत है जहाँ आत्मा खुद अपने स्वरूप का वर्णन करता है। आत्मा का ये अमर गीत सुनिए जिसे आत्मा ने खुद गाया है। निर्वाण षटकम का ये पांचवा छंद जहाँ आत्मा कह रहा है, न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, मैं ना तो मृत्यु और उसके भय से बंधा हूँ और ना ही जाति के नियमों और उसके भेदों से बंधा हूँ। ना तो मेरा कोई माता और पिता है और ना ही मेरा कोई जन्म है। न बंधु न मित्रं गुरु नैव शिष्यं, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई मित्र, ना कोई आध्यात्मिक गुरु और ना ही कोई शिष्य है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, मैं तो सदैव शुद्ध आनंदमय चेतना हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ।